नमस्कार, न्यूज 11 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सतवत अब्बास। पटना पुलिस ने कंकरबाग थाना क्षेत्र से दो हॉस्पिटल संचालक के किडनैपिंग के मामले का खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले पर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि अपहरण की पूरी हिस्ट्री छपरा जेल से रची गई थी। इस साजिश को हत्याकांड में बंद अपराधी ने रचा था, जिसमें फिरौती के तौर पर 9 लाख दे दिए गए थे। कुल 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। दरअसल अपहरणकर्ता और अपहरित दोनों की पहचान पहले से थी। इस मामले में रितु कुमारी द्वारा फिरौती की रकम को बैंक में जमा कराने के दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ी थी। इसकी निशानदेही पर इस साजिश में शामिल महिला समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी की माने तो संदीप ओझा पहले 3 हत्या मामले का आरोपी है। वहीं अपहरणकर्ता का एक प्रोफेशनल गिरोह है। इस कांड को अंजाम देने के बाद इनका अगला निशाना बेगूसराय में एक बड़े ज्वेलरी की दुकान को लूटने और कोलकाता में मुथूट फाइनेंस को लूटने का था। इस अपहरण के बाद इन्हीं दोनों योजनाओं को अंजाम देने के लिए अपहरणकर्ता का एक गुट बेगूसराय जाने वाला था और दूसरा ग्रुप कोलकाता जाने वाला था। इसी दौरान पटना पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कैश को भी रिकवर किया गया है और ऑनलाइन किए गए ट्रांजैक्शन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। एक कर्मी थे, उन लोगों को जमीन खरीदना था, तो पहले अपना पैसा उसने निकाला, पीछे पिट्ठू बैग से वो साथ में लेके जा रहा था। एक जगह पे जहाँ पे उसने पैसा देने के लिए जाना था, तो उसने बोला कि पैसा कम है, आप और पैसा लेकर आइए। फिर उसने एटीएम से पैसा लेकर गया, तो पीछे पिट्ठू बैग पे उसने रखा हुआ था। तो बता रहे हैं कि जब आईटी गुलंबर के पास पहुँचे तो पिट्ठू बैग छीन के और दो जो मोस्ट लाइकली कोड़ा गैंग की है, जिसका फोटोग्राफ सीसीटीवी में आया है, तो पीछे पिट्ठू बैग रखा हुआ था, मोटरसाइकिल लगाया हुआ था, तो बैग छीन के वो चले गए थे, पीछे से खींच के चला गया। पहचान का प्रयास किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उसका। कोड़ा गैंग, हाँ देखिए, कोड़ा गैंग जो है ये पहले पिछले महीने 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, कंकड़बाग में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद क्योंकि इन लोगों का बहुत जल्दी बेल होता है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप नहीं है। जब हम कोड़ा की बात करते हैं तो सिर्फ कटिहार नहीं, बल्कि अब तो बंगाल का जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और पूर्णिया, बहुत से लोग इसमें, और पहले 1-2 गांव हुआ करते थे, तब तो बहुत से लोग इसमें होंगे। हम लोग उसको जनरली कोड़ा गैंग बोल देते हैं, क्योंकि उसका जो अपराध शैली है वो कोड़ा की ओरिजिनल अपराध शैली है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो हम लोगों का वैसे भी एक टीम रहता है जो एंटी स्नैचिंग स्क्वाड रहता है। जैसे इसमें जितना भी इन लोगों का होता है और कहीं और पे भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि किसी और जिला में भी इन्होंने किया है, जो हम फ़ोन नंबर से पता करते हैं कि और इनका मूवमेंट का है, तो संबंधित जिला की पुलिस को हम लोग वैसे भी सूचना देते हैं। जैसे इस वाले केस में हम लोग बैरकपुर को और बेगूसराय दोनों को सूचना देंगे, ताकि उनको पता चले कि स्थानीय रूप से इन लोगों की रेकी करवाने में कौन कौन लोग मदद किया था। ये और संदीप ओझा भी तीनों इनके परिचित हैं, ये इनके फ्लैट में आते रहे हैं। फ्लैट में ये जो दोनों अपहरत हैं, सुभाष और रवि, इन्होंने एक फ्लैट रखा था, जो सुभाष मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है और रविरंजन जानीपुर का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, तो इनका एक फ्लैट है यहाँ पे कंकड़बाग में ही, तो वहीं पे अपने रहते थे और यहीं पे ये लोग आते भी थे और इनके साथ रात को रुकते भी थे, और इसलिए इनको विश्वास में लेकर जाया गया है। जब विश्वास में गए उसके बाद इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। पुलिस को सर इतने देर से सूचना क्यों नहीं? पहले इनको लोगों को लगा था कि हम लोग पैसा दे देंगे, परिजन, एक स्वाभाविक होता कि परिजन भी डर गए थे कि इन्होंने इनको डराया था कि पुलिस को सूचना देंगे तो हम लोग इनको मार देंगे। तो इसलिए पहले उन्होंने लगा कि कुछ पैसा देके हम लोग इनको छुड़वा लेंगे, लेकिन जब इनका डिमांड लगातार बढ़ता जा गया तो फिर तब परिजनों नहीं बल्कि हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को कल 12 बजे सूचना दी थी, और जैसे ही 12 बजे सूचना मिली है 6 बजे तक ये लोग 6 घंटे में सकुशल बरामद हो गए। नहीं, 10 लाख की सूचना दिया है, 10 लाख का दिया, 10 लाख का था, जिसमें 9 लाख रुपये ये लोग ले भी चुके थे और पूरा पैसा बरामद भी हो गया। रैंसम का जो कॉल आया था वो किसके मोबाइल पे आया था? सुभाष के मोबाइल से किया जा रहा है। सुभाष मोबाइल किसको किया? उसके भाई को और जो हॉस्पिटल इनके जो टोटल 5 पार्टनर उस हॉस्पिटल के, जो बाकी इनके जो पार्टनर से हॉस्पिटल के, उसी के मोबाइल से रैंसम का कॉल हो रहा है। उसने प्रशांत दुबे भी है क्या? शायद वो हॉस्पिटल संचालक है, हाँ, जो बाकी उनके पार्टनर थे उनके, ज्यादातर उसके भाई को फोन कर रहे थे, सुभाष के भाई को। हाँ, सुभाष के भाई। हाँ, उन्होंने फिर हम लोगों को हॉस्पिटल प्रशासन में पैसा का पेमेंट हुआ कैश, फिर कैसे कैश? ये पहले तो जब इसको अपहरण करके ले गए तब इन लोगों ने खुद ही बताया कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसका एक अलमारी में 3.5 लाख रुपया कैश में है। तो फिर 3 अपहरणकर्ता वापस आते हैं,
रात के 4 बजे, तो इस पर हम लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन को डांटा भी कि जब वो दोबारा वापस आ रहे थे उस वक्त भी आप लोग पुलिस को सूचना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी, वहाँ से लेकर गए और इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रुपया और उन्होंने जो जमा किया था तो 4.5 लाख रुपया बाय कैश दे दिया था। यही कैश की अमाउंट इन्होंने जो महिला अभियुक्त है रितु कुमारी उसको दे दिया था, वो बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए जा रही थी जहाँ पे उसका कल हुआ नहीं। कल हम लोगों का प्रोसिक्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने अपना भी वहाँ पे लगाए हुए थे, लेकिन जो ACJ साहब है जहाँ पे सुनवाई होना था कल, शायद वो छुट्टी पे थे और संभवतः 19 या 22 को आज ऑर्डर आएगा, 19 या 22 को पुनः उसकी सुनवाई होगी, तो कल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, कल कोर्ट वीकेंड था। हम लोगों ने कल जो घर पर लगातार तो उनकी हमारी निगरानी है ही, और जब दोनों घर पे जाके दो बारी फिर जाके सत्यापन किया गया है, लेकिन अभी उनका हम लोगों को सुराग नहीं मिला है। बॉडीगार्ड्स उनके साथ नहीं है, बॉडीगार्ड्स उनके विड्रॉ नहीं होंगे क्योंकि वो सदस्य हैं, उनको उनके पद के कारण बॉडीगार्ड्स दिए गए हैं, वो बॉडीगार्ड्स उनके घर पर ही हैं लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। और हम लोगों ने उनके जो दूसरा पक्ष है डिफेंस पक्ष के माध्यम से भी पता कराने का प्रयास किया कि वो कोर्ट में उपस्थापित हुए कि नहीं हुए, लेकिन कल क्योंकि कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो अगली डेट पे पता चलेगा। हाई कोर्ट में हमको जानकारी नहीं है, हम तो ACJM वाला जो कोर्ट में था जहाँ वारंट जारी हो गया, हाँ गिरफ्तारी होगी नॉन अवेलेबल वारंट का, फिर हम लोग गिरफ्तार करके उनको कोर्ट के समक्ष उपस्थापित कराएंगे। ये जो वारंट है उपस्थापना के लिए है, कोर्ट के समक्ष उनको सशरीर उपस्थापित कराने के लिए होगा। जब पेट्रोल का बढ़ा दाम, जब बाइक चलाना नहीं रहा आसान, तब हमने निकाला समस्या का समाधान, अब करेंगे साइकिल से रिपोर्टिंग। देखिए हमारे साथ साइकिल रिपोर्टर सिर्फ News 111। News 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।